बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और कैसे हैं आप लोग। तो अब जैसा कि पता है बकरीद आने वाली है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ बकरा ईद के लिए रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं मलाई मटन कोफ्ता। तो मलाई मटन कोफ्ते के लिए मैंने 250 ग्राम ये मटन का कीमा लिया है, बिल्कुल बारीक पीसा हुआ। इसमें मैं शामिल करूँगी इस तरह 3 टेबल स्पून जो है ये प्याज, बारीक कटी हुई 3 टेबल स्पून प्याज शामिल करूंगी इसमें। मैं 250 ग्राम है, 1 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। और ये है बेसन 4 टेबल स्पून, इसको जो है मैंने अच्छी तरह रोस्ट कर लिया। इतना रोस्ट, इस तरह रोस्ट करना है इसको कि जब बेसन का ये कलर इस तरह हो जाए चेंज और इसमें से खुशबू आने लगे तो हमें फ्लेम को ऑफ कर देना। हमारा रोस्टेड बेसन जो है रेडी है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जनाब, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, यानी पिसा हुआ धनिया, वो भी इसमें जाएगा। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक और 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्च। जी, तो ये गई मिर्चें इसमें, और अब हम इन्हें कर लेंगे मिक्स और इनके बनाएंगे बॉल्स यानी कोफ्ते। अच्छा, मिर्चे जो है आप नमक वो हसबे जायका भी ले सकते हैं, नमक भी हसबे जायका ले सकते हैं। और इसमें और कुछ नहीं जाएगा, ग्रीन मसाला इसमें नहीं जाएगा, ना हरा धनिया जाएगा, ना हरी मिर्चें जाएंगी, कुछ नहीं जाएगा इसमें। ओके जी, तो मीट बॉल्स कर लिए हैं रेडी। तो चलें अब हम देखते हैं ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स। जी व्यूअर्स, तो ग्रेवी के लिए हमें चाहिए ये 2 टेबल स्पून प्याज कद्दूकस की भी इस तरह देखें, और 1 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 ही टेबल स्पून है ये बादाम का पेस्ट, ये कम से कम 15 अदद बादाम का पेस्ट है। नमक जाएगा हसबे जायका, गरम मसाला जाएगा इसमें, और 4 से 5 अदद ये लाल साबुत मिर्च जाएंगी। तो चलें अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी कुकिंग। जी व्यूअर्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई थी, ये मैंने लिया है 1/2 कप इसमें क्रीम है फ्रेश, और 1/2 कप ये दूध है, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है, और 1 कप ये दही है, फिटा हुआ दही 1 कप। बस तो मैंने जो है 1/2 कप ऑयल लिया है, इसको गरम कर लिया है मैंने। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करूँगी, कोफ्ते जो है वो इसमें रखूँगी इस तरह। कोफ्तों को हम फ्राई करेंगे सबसे पहले। तो मैंने सारे कोफ्ते रख दिए हैं, तो इनको गोल्डन कर लेंगे दोनों साइड चेंज करके हम, ठीक है। पहले एक तरफ से पक गया, फिर हम दूसरी तरफ से पका लेंगे इसको। ओके, ये देखें ये पक रहे हैं इस तरह, एक साइड से हो जाए तो फिर हम दूसरे साइड से भी इसको कर देंगे चेंज। तो जनाब, बकरा ईद पर गोश्त का तो इशू होता नहीं है, खूब बनाए ये कोफ्ते मज़े से, और जो है सबको खिलाएं, और वैसे भी बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी। और आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और कोफ्तों के लिए सबसे ये कि आपने जो कीमा है ना वो बहुत बारीक लेना है, जो आप बाज़ार से, ये तो खैर बकरे तो हम घर में ही बनाते हैं कीमा वगैरह भी, अगर बाज़ार से भी बनाया है तो उसे दोबारा जो है चॉपर में डालकर अच्छी तरह बिल्कुल बारीक अगर आपका कीमा होगा तो आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। और पानी नहीं होना चाहिए कोफ्तों में, बस ये गोल्डन हो जाए, हो गए, मैं इनको जो है निकाल लूँगी अब कोफ्तों को। तो जो है कोफ्ते मैंने सारे निकाल लिए, अब जो है मैं इसी वाइल में ये प्याज डाल दूंगी। प्याज को बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है हमने। अब ये लहसुन भी इसमें जाएगा, और जो है फ्लेम को फिलहाल जो है मैंने बहुत ज़्यादा स्लो किया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही, 1 कप इसमें दही गया, नमक जाएगा साथ में, और ये बादाम का पेस्ट भी जाएगा। बादाम का पेस्ट जो है छिलको समेत ही मैंने पीसा है। जिस वक्त हम दही ऐड करें किसी भी चीज़ में, तो हमें फ्लेम को या तो बंद कर देना चाहिए या तो बहुत ज़्यादा स्लो कर देना चाहिए,
तो अब ये दही पकड़ी वो पक रहा है हमारी ग्रेवी, तो फिर ज़रा सा ये हो कुछ तो फिर मैं इसमें कोफ्ते शामिल करती हूँ। तो ये देखिए अब ये जो है मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, अगर आपका ऑयल कम लगे तो आप और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जब इस तरह मसाला भुन जाए, और ये देखें मसाला हमारा पक चुका है। अब इसमें जो है मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी। इसको भूनेंगे थोड़ी देर कोफ्ते डाल के। आप जो है चाहे तो इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश पेपर, रेड क्रश पेपर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं की है ज़्यादा, क्योंकि आजकल जो मेरे हस्बैंड हैं वो जो है फीका खाना खा रहे हैं ज़्यादा, तो मिर्चें इसमें हो जाएंगी नहीं तो। वैसे रेसिपी में डलती नहीं है, आपने अगर जो है ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब जो है ये थोड़ी देर में इसको भूनूंगी। ये देखें सारा मसाला कैसे कोफ्तों पे चिपक चुका है। ये देखें अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये दूध और क्रीम जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। हाफ कप क्रीम है, हाफ कप दूध है, वो इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, गरम मसाला और ये रेड जो चिलीज़ है ये मैं आखिर में ऐड करूँगी। अब जो है मैं इसको गाढ़ा होने के लिए रख दूँगी, मतलब 15 मिनट जो है मैं इसको दम लगा दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। ठीक है, 15 मिनट हम इसको, 15 से 10 मिनट काफ़ी हैं। इसने कौन सा गलना है जो ज़रा हमारा जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। ओके, तो ये देखें मैं इसको कर रही हूँ कवर। जी व्यस, तो ये देखें इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये ग्रेवी इस तरह की है। ये देखें कितनी थिकनेस। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये मिर्चें, मैं इन्हें डंडी समेत ही शामिल करूंगी। अभी मैंने जो है इसकी फ्लेम को ऑफ नहीं किया है और जो है मैं वेट करूंगी इसको। अब जो है मैं इसमें ये गरम मसाला भी शामिल कर दूंगी। आप इस स्टेज पर जो है इसको नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी आपको और ठीक चाहिए तो आप इसको मज़ीद जो है पका सकते हैं। तो और मैं इसको कर रही हूँ बंद। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो अब मैं ये करूँगी डिश आउट। तो ये देखें इसमें ये रेड चिल्ली जो है कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं कर रही हूँ डिश आउट अपनी रेसिपी। साथ में हम डालेंगे एक चिल्ली। जी जनाब, तो ये देखिए मज़ेदार मलाई कोफ्ता रेडी है। आप चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, एंजॉय करें, बकरा ईद पर लाजमी बनाएं।